नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एकेश राजवीर, आपका अन अकेडमी और YouTube एजुकेटर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन की एक बहुत ही बेहतरीन पोएम जिसका नाम है इन मेमोरियम। तो दोस्तों आज की क्लास में इस जो ये इनकी पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन की इन मेमोरियम, तो इसे दोस्तों मैं आपके साथ इन शॉर्ट डिस्कस करूंगा विद इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों बात किया जाए अगर इन मेमोरियम की, सो इन मेमोरियम जो दोस्तों ये पोयम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन की, तो एक दोस्तों मेजर थीम के साथ डील होती है, क्योंकि इन मेमोरियम दोस्तों इसकी जो पब्लिकेशन डेट है आप अपनी स्क्रीन में एग्जैक्टली देख सकते हैं इस समय, तो इसकी जो पब्लिकेशन दोस्तों डेट है वो है 1850। और दोस्तों अगर 1850 ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इन इंग्लिश लिटरेचर। हाउ? बिकॉज अगर देखें सो विलियम यानी कि WW विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ भी दोस्तों इसी ईयर में हुई थी। प्रील्यूड भी दोस्तों जो पब्लिश हुई थी वो इसी ईयर में पोस्थमसली पब्लिश हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। इवन की स्कारलेट लेटर जैसे वर्क आए थे जिसको लिखा था नथानिएल हैथॉर्न ने। दोस्तों ये जो पोयम है इन मेमोरियम, तो ये दोस्तों लिखी गई है टेनीशियन के द्वारा, और टेनीशियन ने लिखा था इसको अपने फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम, AHH इन शॉर्ट दोस्तों कहा जाता है। सो अर्थर हेनरी हैलम की ऑन डेथ ऑफ अर्थर हेनरी हैलम, सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन ने अपने फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर लिखा था। सो दोस्तों जो मेजर थीम है इस पोएम की दैट इज डिस्पेयर, and this is loss of his dearest friend, and even he was जो Arthur Hallam थे, so वो fiance भी थे इनकी sister Emily के। so दोस्तों exactly ये एक despair के साथ deal होने वाली poem है, जहां पर अगर देखें इस poem के end में एक religious faith के साथ ending आपको देखने को मिलती है इस poem की। दोस्तों इस पोयम का एक टाइटल और था जिसका नाम था द वे ऑफ द सोल, द वे ऑफ द सोल, दिस वाज अनदर टाइटल ऑफ दिस पोयम इन मेमोरियम। इस पोयम को दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब लिखा गया था ये इस पोयम को, सो दोस्तों इस पोयम को लिखने में काफी लंबा टाइम लगा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन को, और वो भी दोस्तों कितने साल का, 17 साल, 17 ईयर। इसका मतलब दोस्तों इस पोयम के टाइटल का मतलब है इन मेमोरी, इन मेमोरियम यानी कि इन मेमोरी ऑफ समवन, और ये दोस्तों कौन है आप जानते हैं कि उनके ही फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम। अर्थर हेनरी हैलम के साथ जो इनके रिलेशनशिप थे वो काफी बिटर थे। पहली बात तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, साथ में दोनों लोग कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। दूसरी बात कि इनकी जो सिस्टर थी एमली, एमली टेनीशियन, तो उस उनके ये लवर थे या फियांसे थे। डेथ जो दोस्तों हुई थी इनके फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम की, इसको लेकर के कई सारी दोस्तों इन्होंने पोएम्स लिखी हैं। इवन कि मैंने पिछली क्लास में, इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन। सो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये एक ग्रीफ को रिप्रेजेंट करती है। डेथ हुई थी अर्थर हेनरी हैलम की सेरेब्रल हैमरेज से, और यू कैन से ब्रेन हैमरेज से। दोस्तों इन मेमोरियम कलेक्शन है 132 एलिजीज का, और दोस्तों इन मेमोरियम में इन्होंने विक्टोरियन एज के स्ट्रगल, एंड दिस इज द स्ट्रगल यू कैन से बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। दोस्तों साइंस एंड रिलीजन का जो एक इंपैक्ट है उसको शो करने की कोशिश की है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन ने, एंड दिस पोएम इज गोइंग टू शो द व्यूज ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, क्रुएलिटी ऑफ नेचर एंड मोर्टैलिटी इन लाइट ऑफ मैटरियलिस्ट साइंस एंड फेथ। सो दिस इज अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क। एंड दोस्तों आपने देखा उस समय डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड ऑल थी वो भी रियली काफी ज्यादा इफेक्टिव थी।
इन मेमोरियम दोस्तों जो ये पोयम है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड यू कैन से फेवरेट पोयम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो बहुत इस पोयम को पसंद करती थी, बिकॉज आफ्टर डेथ ऑफ प्रिंस अल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया आल्सो वाज इन यू कैन से इन ग्रेट एग्नी, और यू कैन से बहुत ही ज्यादा वो सैड थी उस टाइम पीरियड में। और दोस्तों इससे काफी इंप्रेस्ड हुई इन मेमोरियम से अल्फ्रेड लॉ टेनिसन की, बिकॉज ही वाज आल्सो अ पोएट लॉरिएट एंड ही वाज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन विक्टोरिया। दोस्तों इन्होंने लिखा प्रिंस यानी कि प्रिंस अल्बर्ट की डेथ के बाद जो क्वीन विक्टोरिया को जो बहुत ही ज्यादा जो सैड उनकी फीलिंग्स थी उसको लेकर के काफी इन्होंने कनेक्टेड फील किया। व्हाट अ कंफर्ट इट हैड बीन आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर वर्क इन मेमोरियम, जब विक्टोरिया ने कहा व्हाट अ कंफर्ट इट हैड बीन। दोस्तों अगर इस पोएम की बात करें, सो दिस पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर क्वार्टेट्स, जो ये जो दोस्तों एलिजीज हैं 132, सो दीज ऑल आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर and following the rhyming scheme ABBA, and this is also known as in memoriam stanza. These stanzas are also known as in memoriam stanzas. और दोस्तों अगर इस poem की बात करें, so yes we can see there are 6 part of this particular work. So first part that is prologue and the last part that is epilogue. On first part he is going to represent his views, and then you can see the grief part, doubt and despair part, rising and hope, final affirmation. So second one is grief, third one is doubt and despair, fourth one is rising hope, and fifth one is final affirmation. And this is also division of cantos, grief from 1 to 27, doubt and despair cantos 28 to 77, and then rising hope canto 78 to 103, and then cantos 104 to 131 this is final affirmation. So this is one of the wonderful poem by Alfred Lord Tennyson. These are a few important lines from this particular book. So you can see it is better to have loved one unlost than never to have loved at all. So these are the famous lines from this book. Nature red in tooth and claw. This is another important. These are another important lines from this particular poem. A strong son of God, immortal love, whom we that have not seen thy face by faith and faith alone embrace, believing where we cannot prove. So these are third one important lines from this particular poem. O sorrow, cruel friendship, oppressed us in the vaults of death. These are the another important line from this poem, In Memoriam for Arthur Henry Hallam by Alfred Lord Tennyson. So dear learners, अगर आपको ये poem पसंद आई और मेरा exam point of view अगर आपको अच्छा लगा, so then I would like to request, you can subscribe me on Unacademy Plus for complete course. You will find complete notes, complete quiz, and then complete study material. Subscribe me on Unacademy Plus, or you can डाउनलोड मी फॉर फ्री, क्योंकि अनअकैडमी में फ्री क्लासेस भी आती हैं दोस्तों, और इस मंथ तो मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस आने वाली हैं, डेली के लिए आपके लिए फ्री क्लासेस होंगी। सो प्लीज आप अनअकैडमी द लर्निंग एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें, वहां पर एक राजवीर सर्च करें और फॉलो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको ऑसम क्लासेस अगर चाहिए सो 1 आवर की क्लास आपको मिलती है ऑन अनअकैडमी और स्पेशल क्लासेस डेली की। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारे पास, जिन्हें आप इजीली ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यूज कीजिएगा दोस्तों रेफरल कोड AKS राजवीर को और आप पा जाएंगे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। किसी भी टाइप की अगर दोस्तों आपकी क्वेरी है सो प्लीज आप मुझे इस पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ मेरे कोर्स हैं जो इस समय चल रहे हैं अनअकैडमी में, और जल्दी ही दोस्तों कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज दोस्तों दिस विल बी द राइट टाइम कि जब आप
अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बैच कोर्स 10 यूनिट्स कंप्लीट करने वाला हूं, क्रैश कोर्स में जल्दी ही लेकर के आ रहा हूं जो स्टार्ट होने वाला है 23rd ऑफ अप्रैल से, एंड देन 21st ऑफ अप्रैल से एक प्रैक्टिस सेशन जहां पर मैं एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। सो ये सारी चीजें दोस्तों आपको वन सब्सक्रिप्शन में मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, फॉलो कीजिए अनअकैडमी पर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों कल एक स्पेशल क्लास भी होगी, मैं आपको बता दूं, और ये जो दोस्तों मेरी स्पेशल क्लास होगी ये होगी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन शॉर्ट अनअकैडमी एनटीए यूजीसी ने लाइव पर 4 PM पर, तो आना मत भूलिएगा। एंड कल मतलब 13 मार्च 2020। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।